माता का उल्टा देश का एक प्रमुख कॉमेडी सीरियल है और पिछले 14 साल से ऑन एयर है। इस शो के सभी किरदारों की एक अपनी फैन फॉलोइंग है। इन किरदारों में दया बेन का नाम ज़रूर लिया जाता है और अगर आपने शो देखा है तो आप जानते ही होंगे कि दया बेन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दिशा वखानी ने शो छोड़ दिया है। इस शो के फैंस आज भी इंतज़ार में है कि दिशा शो में दया बेन के किरदार में कब वापसी करेंगी। सालों बाद शायद इस बात का पता चल चुका है कि आखिरकार दिशा ने शो क्यों छोड़ दिया था। दिशा वखानी जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बेन का किरदार निभाती थी, इसलिए शो छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और उन्होंने मैटरनिटी लीव लिया था। लेकिन उस बात को काफ़ी समय हो गया है और इस बात में कोई क्लियरिटी नहीं रह सकी थी कि आखिर दिशा ने शो क्यों छोड़ा। दिशा का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया है कि उस ही उसके शो को छोड़ने का कारण बताया जा रहा है। पुराने इंटरव्यू के दौरान दिशा वखानी ने कहा है कि उन्होंने अपने किरदार की आवाज़ को मेंटेन करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अगर आपने शो देखा है तो आप जानते ही होंगे कि दया के किरदार की आवाज़ काफ़ी अलग है। किरदार में दया एक अजीब सी आवाज़ में बोलती थी जो कि उनको गले में परेशानी देती थी, लेकिन भगवान की दया से उन्होंने सफलतापूर्वक इस किरदार को निभाया और लोगों ने उन्हें खूब पसंद भी किया। इस किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया और हम सबको पसंद आता था, तो इसी कारण को उनके शो छोड़ने का कारण बताया जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब